सुप्रभात बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप चल रहा था। दुर्योधन जब कहते हैं कि बस तुम्हारे पास यही एक तर्क रह गया है, युधिष्ठिर क्या तुमने कभी यह सोचा था कि जिस राज पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास आखिर आया कैसे? क्या जन्माधिकार से आया? नहीं, दुर्योधन जो है वह कहता है कि यह जो अधिकार जो आया वह तुम्हारे पिता के पास, वह मेरे पिता के अंधे होने के कारण आया। राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला ताकि उन्हें राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वह तो मेरे पिता का था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 77 से महाभारत की एक सांझ विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्रम जो है चल रहा था, पिछली बार में हम लोग जैसा जानते हैं कि दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में मरणासन की स्थिति में पड़ा हुआ था और सर्वप्रथम अश्वस्थामा वहां पहुंचते हैं, अश्वस्थामा वहां से निकल जाते हैं बदला लेने का निश्चय करके पांडवों से। उसके पश्चात युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में जो संवाद हुआ है उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो आज हम लोग पृष्ठ संख्या 77 से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि दुर्योधन जब कहता है कि इस राज्य पर तो मेरे पिता का अधिकार था क्योंकि वे अंधे थे, राज संचालन में उन्हें असुविधा हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पिता को मिला, अन्यथा वह तो मेरा ही था। युधिष्ठिर इस पर कहते हैं, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तो उसके पश्चात तो मेरा ही अधिकार हुआ ना, यही तो राज नियम भी कहता है। युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं, राज नियम की चिंता कब से तुम्हें हो गई? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य का मूल अधिकार मेरे पिता का ही था, वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप तक सकते थे। दुर्योधन की इन बातों को सुन करके युधिष्ठिर कहते हैं कि यह केवल तुम्हारा निजी मत है, आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया है। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही जो आज तुम यह बात कह रहे हो। युधिष्ठिर की इन्हीं बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने को किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस जो है कर दिया गया, सब अंधों की तरह उसे स्वीकार करते गए, सब मेरा हठ ही मेरे हठ को ही देखा, कभी किसी ने मेरे पक्ष को नहीं देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने कभी नहीं देखा, और जानते हो इसका कारण क्या था? दुर्योधन की बात सुनते ही युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कारण था? तब दुर्योधन आगे जो है अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि सब तुम्हारे गुणों से ही प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे, वे यह नहीं समझ पाए भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी कभी नहीं हो सकता है। दुर्योधन की इन बातों को सुनते ही युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो, यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई मुझको राज्य देने की मांग आखिर क्यों करता? इस पर दुर्योधन कहते हैं कि तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सब ने युद्ध में मेरा ही साथ दिया, यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा सब आखिर मेरी ओर से ही क्यों लड़े?
क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दे दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों में मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ, क्या तुम बता सकते हो युधिष्ठिर? बोलो। इसलिए न कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। दुर्योधन की इन्हीं बातों को सुनते ही युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए आया था, तुम्हारे साथ विवाद करने के लिए नहीं आया था। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी पीड़ा बांट दूं, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात पर शायद तुम विश्वास भी ना करो, मैं इस रक्तपात के लिए कभी भी तैयार नहीं था, मेरी इच्छा भी यह कभी भी नहीं थी। युधिष्ठिर के मुख से इन बातों को सुनते ही दुर्योधन कहते हैं कि मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही तुम्हारे वचनों में सशक्त स्वर है? तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोनित तर्पण चाहता था। तुम कहते हो कि तुम्हें खून रक्त नहीं चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें तो रक्तपात ही चाहिए था, और उसी का तो तर्पण तुम चाहते थे। ऐसी अधर्म भरी बातें तुम मेरे सामने मत करो। दुर्योधन ये बातें युधिष्ठिर से कहता है। फिर वह अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हे युधिष्ठिर, रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारे ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया, और तुम कहते हो कि तुम्हें रक्त नहीं चाहिए। दुर्योधन की बातों को सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम अब इस अवस्था में अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठे हो। तुम केवल बिना अर्थ भरी बातें कर रहे हो, प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान से भी कोई असंभाव्य बातें कहता है? असंभाव्य का अर्थ होता है जो घटित नहीं हो सकता है। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते रहे, जंगल फिरते रहे, धूल जंगलों की धूल छानते रहे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? युधिष्ठिर की इन बातों को सुन करके दुर्योधन कहते हैं, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास ही नहीं करने दोगे। पर इससे क्या तुम सत्य को दबा करके रख सकते हो? उसे तुम झूठ साबित नहीं कर सकते। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी नजर में है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए, और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया। यहां पर पुरोचन की बात की गई है। यह आवश्यक होता है कि पुरोचन के बारे में आप लोग जाने। पुरोचन कौन था? पुरोचन दुर्योधन का एक विश्वास पात्र व्यक्ति था, जिसने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। लाक्षागृह यानी लाख का घर। वह चाहता था कि पांडव लोग वहीं पर रहें और उस लाक्षागृह में सभी को जलाकर भस्म कर दिया जाए। परंतु चतुर विदुर के कारण, विद्वान विदुर के कारण, जो है दुर्योधन की ने जो षड्यंत्र रचा था, वह सफल नहीं हो पाया, और उस लाक्षागृह में पुरोचन अपने परिवार सहित जो है मारा जाता है, और वहां से जो है पांडव लोग निकल करके पांचाल जाते हैं, और वहां राजा द्रुपद के साथ उनकी मित्रता होती है, और वहीं पर द्रौपदी के साथ विवाह होता है, जिसके कारण पांडवों की शक्ति बढ़ जाती है, और जिसे यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि उसी शक्ति को तो देख करके पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया। दुर्योधन की बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तो यही जानता हूं, आधे राज्य पर तो मेरा ही अधिकार था। तब दुर्योधन कहता है कि सत्य को ढकने का प्रयास मत करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर
जाचो, मेरे पास प्रमाणों की कोई कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन नहीं लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेज दिया, अर्थात तुम अपनी शक्ति को बढ़ाते चले गए। राजसुयज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि जुए में खेल खेल में तुम अपनी ईर्ष्या तक न भूले और तुमने झट से अपना राज्य दाव पर लगा दिया कि यदि तुम जीत जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य अनायास ही मिल जाएगा। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। दुर्योधन की इन बातों को युधिष्ठिर सुनते हैं और तब जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने जिस तरह से भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, युधिष्ठिर की बात अभी पूर्ण भी नहीं हुई थी कि दुर्योधन कह उठता है, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में किया था, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दाव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी वह द्रौपदी नहीं थी, वह तो जुए में जीती हुई एक दासी थी। यहां पर दुर्योधन कहते हैं कि मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में किया था। द्रौपदी ने कौन सा अपमान किया था? आप लोगों को पता भी होगा कि यह जो महाभारत का जब युद्ध हुआ था उससे पहले जब पांडवों को राज्य मिला था तो उन्हें खांडव प्रस्थ दिया गया था। बाद में आगे चल करके उन्होंने उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया था। और उस महल की खूबी यह थी कि जहां पर पानी दिखता था वहां पर जो है जहां पानी रहता था वहां पर जमीन नजर आती थी और जहां जमीन दिखता था वहां पर पानी नजर आती थी। और जैसा कि गृह प्रवेश के समय में जब वहां पर दुर्योधन जाता है और दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ की खूबसूरती को देखता है तो वह उसके प्रति काफी आकर्षित हो जाता है। वह घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंचता है, उसे लगता है कि यह तो जमीन है, परंतु जैसे ही वह आगे पैर बढ़ाता है वह पानी के अंदर गिर जाता है। और तभी जो है ऊपर से द्रौपदी उस दृश्य को देख रही होती है और अनायास उसके मुख से निकल जाता है कि अंधे का बेटा अंधा होता है। और यह बात जो है दुर्योधन को शूल की तरह उसके मन में चुभ जाती है और वह मन ही मन प्रतिज्ञा करता है कि मैं द्रौपदी से बदला लूंगा। यहां उसी की बात हो रही है कि मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में किया था। युधिष्ठिर जो है कहते हैं यह तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते हो युधिष्ठिर। कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मथे मढ़ा गया है। तुम अगर जुआ ना खेलते तो शायद तुम्हें वनवास ना होता। आज जो है तुम्हारे ही कर्मों का वह फल था। फिर उस वनवास का एक एक क्षण तुमने तो युद्ध की तैयारी में लगा दिया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त कर लिए, विराट राज से तुम्हारी मैत्री करके नए संबंध तुमने बना लिए और इस तरह से तुम अपने जो है शक्ति को बढ़ाते चले गए। अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित कर लिया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को तुम क्या मिटा सकते हो? तुम कभी नहीं मिटा सकते हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच वार्तालाप होती है। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 79 तक ही पढ़ेंगे। अगला जो दो पृष्ठ है 80 और 81 उसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कुछ प्रश्न उत्तर दिए थे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उन्हें अपनी कॉपी में बनाएंगे और वीडियो को पूरा सुन करके अगर आप सुनेंगे तो आपको महाभारत की एक सांझ जो है यह एकांकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।